नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरे द्विवेदी फ्रॉम गुरु जीवड़। आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी अध्यापकों का जोरदार स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में। फटाफट तैयार कर लेते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का छोटा सा वीडियो, जहां से आप देखते ही कन पहचान जाएंगे कि हमारे 2 से 3 नंबर कवर कैसे हो गए, क्योंकि 2 से 3 नंबर पिछली परीक्षाओं में आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है पूरे नंबर इस बार लाना है, हमारा टारगेट है। गुरु जी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी से अगर किसी भी बहन किसी भी भाई को अगर मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, तो मैंने वो सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई है जो बेसिक से लेकर, जिसने 5 साल से किताब नहीं उठाई है, सर एक बार चेक करिए। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, एक बार बस नीचे लिंक मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट में, चाहे आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, वहां से आप देख लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूपीटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, रेड बटन को प्रेस करें, आगामी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक सीट आपकी सरकारी विद्यालय में हम चाहते हैं। देखिए लिंग दोस्तों यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, पहचानने की बात आती है कि अगर बात करें कि लिंग की, तो 2 लिंग होते हैं हिंदी में। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में भैया होते कितने हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यार चलो ठीक है, मैंने पढ़ लिया, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन ये आ गया तो मैंने यहाँ पर मार दिया, हो सकता है आ जाए, लेकिन वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पढ़ लोगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं और फिर मैं ट्रिक की बात करता हूँ कि अगर देश आ जाए, पुल्लिंग की बात करते हैं, अगर देश भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इटली, कजाकिस्तान, अमेरिका, अगर ऐसे कुछ देश आ जाते हैं, जितने भी पूरे देश हैं, अगर इनका नाम आ जाता है तो वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और पुल्लिंग में आते हैं अगर भारत को देखा जाए तो भारत कैसा है, भारत कैसी है नहीं होता है, भारत कैसा है, भारत अच्छा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो पुल्लिंग में आ जाता है। अगर किसी भी हम ग्रह की बात करें, तारे की बात करें, तो दोस्तों सूर्य, शनि, मंगल, बुध, तारा कोई भी आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि भैया ये हमारा पुल्लिंग हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ग्रह हो जाए, महीने हो जाए, पर्वत हो जाए, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे महीने को ले लेते हैं चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, डॉट डॉट डॉट, पर्वत को लेते हैं हिमालय, राखी, अरावली, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? पुल्लिंग में। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार आप समझ लीजिएगा कि जैसे आप ट्रिक के माध्यम से प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग में इतना अंतर होता है कि प्रत्यय पीछे जुड़ता है शब्द में और भैया उपसर्ग आगे जुड़ता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अपमान हो गया, ठीक है ना, तो इसमें कुछ उपसर्ग होगा, जैसे बुढ़ापा हो गया, जैसे घबराहट हो गया, घबराहट में आहट जो है प्रत्यय हो गया, तो प्रत्यय होता है लास्ट में, अगर पा जुड़ा हो, आओ, आ आदि शब्द जुड़े हों, तो वहां पर भैया पुल्लिंग होता है। जैसे बुढ़ापा, दिलवाला, रक्तदाता, श्रमदाता, इस टाइप के वर्ड्स जो है पुल्लिंग में आते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है, मैं 3-3 ट्रिक की बात कर रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मुंह से बोल के देखिए जो ऑप्शन, मैं यहाँ पर टेस्ट भी लगाने वाला हूँ दोस्तों, लास्ट में मैं टेस्ट लगाने वाला हूँ, देखिएगा कितना मजा आता है। देखिएगा सबसे पहले शब्दों को देखकर मुंह से बोलिएगा, अगर क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है, एक दिया है बुढ़ापा, एक दिया है रक्तदाता, एक दिया है आपका नदी और एक दिया है आपका सूर्य, तो यहाँ पर अगर कह दें कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है तो आप समझ जाओगे। इनको पहले हम देखेंगे क्या सूर्य जो है सूर्य बहुत गर्म है, सूर्य बहुत गर्म है, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं, ये सब प्रत्यय वाले थे, लेकिन अगर सबसे पहले मोटापा की बात करें तो उसको मोटापा है, उसको मोटापा है, ठीक है। सम्मेलन, वहाँ सम्मेलन हुआ था, वहाँ सम्मेलन हुई नहीं थी। अब स्त्रीलिंग में हुई या मतलब जो है बड़ी की मात्रा आती है आई, तो स्त्रीलिंग में जो है आप सारी स्त्रियों का बोध होता है, ठीक है, वो चीज़ें जो है स्त्रीलिंग में आती हैं, जिनमें आई होता है, जिनमें जैसे नदी ले लेते हैं तो नदी जो है हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है ना। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी आया था, अभ्यर्थी आई थी नहीं होता है। स्वार्थी, तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो, ठीक है ना, ये चीज़ आप बोल के अगर देखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम देखेंगे स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में दोस्तों अगर तिथि के नाम आ जाते हैं, इसमें भी हम बहुत सारी अच्छी सी ट्रिक देखेंगे और फिर हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। तिथि के नाम क्या है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तिथि के नाम प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। नदियों के नाम गंगा, चंबल, यमुना, रीवा, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं वो सारी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। बोल के देखिएगा, गंगा, चंबल, यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है, ये नहीं होता है यमुना कहाँ से निकलता है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ पर गिरती है, तो ये सारी चीज़ें बोल के अगर देखोगे बिल्कुल 100% दोस्तों ये ट्रिक है कि भैया कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। बस ऑप्शन को एक बार बोल लेना, जो ऑप्शन लगे गड़बड़ उसको टिक मार दो, फटाक से 1 सेकंड का टाइम लगेगा। जैसे भाषाएं,
भाषा है दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है टेस्ट लगाऊंगा उसमें बहुत अच्छा मजा आने वाला है। देखिएगा भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी। हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी अच्छी भाषा होती है ती है, अंग्रेजी अच्छी भाषा होती है, गुजराती बहुत अच्छी भाषा होती है, मराठी भी बहुत अच्छी भाषा होती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जाता है नहीं, हिंदी बोला जाता है, होता है कहीं नहीं होता है ना सर, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये सारी चीजें, है ना। अब देखो ट्रिक क्या है, अंत में अगर नी आए आई आए, मतलब प्रत्यय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे करनी कहानी करनी, ठीक है ना, यहाँ पर डबल लिख दिया है, पढ़ाई चटाई कढ़ाई, ये आई वाले वर्ड है, ये सारे क्या हैं, आई वाले प्रत्यय हैं। अगर अंत में दोस्तों आवट आ जाए, अंत में आवट का मतलब है प्रत्यय अगर आवट है, जैसे सर यहाँ पर चिकनाहट, चिकनाहट को बोल के देखो इस बर्तन में ज्यादा चिकनाहट है, बनावट तुम बनावटी हो, ठीक है ना, लिखावट उसकी लिखावट अच्छी है, उसकी लिखावट अच्छा है नहीं, थकावट उसको थकावट हो गई है, ठीक है ना, मुस्कुराहट घबराहट, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी आ जाएंगी स्त्रीलिंग में। इया बुढ़िया गुड़िया चिड़िया, ये सारी क्या है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रहा है नहीं, गुड़िया गिर पड़ी है, गुड़िया कैसी है, ठीक है ना, बुढ़िया आप समझ रहे हो, ये सारी स्त्रीलिंग में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये चीजें बोल के मुंह से देखोगे फटाक से आंसर लगाओगे, वीडियो नंबर वन है, परेशान मत होना, बस वीडियो यहाँ पर अभी मैं टेस्ट लगाने वाला हूँ। टेस्ट लगाने से पहले मैं बता देता हूँ, जितने भी बंदे यहाँ पर इंग्लिश के लिए परेशान हैं वो वीडियो मैंने कराई है आपको, सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर मैंने धीमे से कवर कराया है। जो बच्चे यहाँ पर, जो बहन जिनका मैथ से सिलेक्शन रुकता था वो बिल्कुल परेशान ना हो, इस बार पूरे गुरु जी वर्ल्ड का नाम होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, परेशान मत होना। पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल दोस्तों ये है कि बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग है, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से लगाइएगा, बहुत क्वेश्चन गलत होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी लोग गलत करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बाला। अब लोगों ने बालिका लगाया होगा, बाल मीन्स होता है लड़का और बाला मीन्स यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाल का स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग पूछा है, बालिका लोगों ने बहुत जल्दी से लगा दिया होगा, जबकि बालक का बालिका हो जाता है ना, कव इत्री। अब इस क्वेश्चन को पहले तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मैं लूंगा कि कव इत्री का पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, दोस्तों ऐसा ही कव इत्री लिखा जाता है, ये पूछा बहुत जाता है, ये देखो गलत लिखा है कव इत्री, है ना, इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खैर मैं उसको अगले क्वेश्चन में करूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कभी हो जाएगा, बहुत सिंपल सा था, साधु का स्त्रीलिंग है, साधु का स्त्रीलिंग है, बताइए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साध्वी, ए ए नंबर इज राइट आंसर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, अभी जो कवित्री की बात करी, जो क्वेश्चन में था वही इसका आंसर है। अब देखो ऐसे अगर आपको दे दिए जाए कि निम्न में से कौन सा कवित्री सही है, बहुत सारे लोग 90% लोग गलत करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको लिख लेना अच्छे से, आशीर्वाद बहुत अच्छा आता है और उज्ज्वल लिखने को आता है, कवित्री लिखने को आता है, मैं करा दूंगा सारी चीज़ें, विलोम शब्द मैंने करा दिए हैं, रूढ़ योग रूढ़ गजब की ट्रिक कराई है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कव इत्री, देखिए कव इत्री ऐसे ही तो लिखा है, जी हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही लिखा है, कव इत्री, देखिए सी नंबर में भी ऐसे ही लिखा है। पुस्तक कैसा है, पुस्तक कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अब पुस्तक को बोल के देख लीजिए, भाई मेरे क्या कर रहे हो, पुस्तक गिर पड़ी है, पुस्तक गिर पड़ा नहीं है, तो गिर पड़ी है, पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छा नहीं होता है, पुस्तक अच्छी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, जी हाँ सर। छात्र का बहुवचन होगा, छात्र का बहुवचन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग इसमें गलत करने वाले हैं, तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। छात्र का हो जाएगा छात्रों, ध्यान दीजिए छात्राएं नहीं होगा, छात्रों, छात्र हैं मतलब सभी की बात कर रहा है, कोई यहाँ पर लड़का नहीं, छात्र कितने छात्र हैं क्लास में, तो यहाँ पर बहुवचन की बात करें तो छात्रों, अगर यहाँ पर छात्राएं नहीं होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ पर बताएं अगले क्वेश्चन की बात की कौन सा शब्द हरिण, बहुत इंपॉर्टेंट यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, हरिण का स्त्रीलिंग रूप है, 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, तो हरिण का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हरिणी, ठीक है, हिरणी मत कर देना,
कितने लोगों ने मारा है यहाँ पर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर कैसा चैप्टर रहा ये बताएं कि भैया जो पुराने लोग हैं जो नए लोग हैं, पुराने लोग अक्सर कमेंट करते हैं नए लोगों को वीडियो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, हमें ज़रूर बताएं कि सर आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPTET दे रहे हैं, CTET दे रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए दीजिएगा। बस ये मत करिएगा इधर हमने ये किताब उठा ली वो किताब उठा ली तो ये क्या होता है टेंशन ज़्यादा। अगर टेंशन को कम रखोगे, जितना टेंशन कम रहेगी उतना ही ज़्यादा आप खुश रहोगे, और जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतनी ही जल्दी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।